आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। मैडम, आजकल पिछले कई सालों से बेल आउट एक लफ्ज का भारतीयों को पता चला है नया नया, कि इसको भी बेल आउट कर दिया गया, इसको बेल आउट कर दिया गया, बेल इन की बातें भी चल रही हैं। तो मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब की जो खेती है, पंजाब की जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत क्राइसिस में है कई सालों से। आज भी जब मैं बोल रहा हूं यहां पर, आज भी पंजाब में 3 किसानों ने आत्महत्या की है, वही कर्ज की। तो खेती को बेल आउट करने के लिए, अगर क्योंकि पंजाब वो राज्य है जिसने देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, जब देश को अनाज की जरूरत थी तो हरी क्रांति के जरिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए पंजाब ने देश के अनाज के भंडार भर दिए। अब पंजाब का किसान क्राइसिस में है, तो उसके लिए कोई बेल आउट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, तो मैं ये मांग करूंगा। और अफसोस की बात यह है कि अभी रिसेंटली जो GST आया, तो खेती में काम आने वाली जो मशीनरी है उस पर भी GST लगा दिया गया, वो पहले ही क्राइसिस में था, उसको और महंगाई की मार पड़ी है। और इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि GST जो है वो खेती की मशीनरी से हटाई जाए। और ये खेती से ही संबंधित है, जो पिछले दिनों बहुत मसला जो देश में उठा था वो है पराली का, जो स्टबल जलाते हैं। किसान खुद भी नहीं चाहता कि वो जलाए, लेकिन उसका कोई हल नहीं उनको बताया जा रहा। अगर वो हल करता है, जो उसको कहा जा रहा है इसको आग नहीं लगानी है, जलाना नहीं है, तो उसका 6,000 से 7,000 पर एकड़ ज्यादा खर्च होता है। मैडम, ऑलरेडी वो क्राइसिस में है, कर्जे में है, तो इस पे भी एक नेशनल लेवल की पॉलिसी बननी चाहिए। किसान कहता है आप मेरा स्टबल, मेरी पराली को ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चलते अगली फसल बीजना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैडम, दूसरा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, उसका पैसा काफी देर से रुका पड़ा है। मैडम, बहुत जो SC स्टूडेंट्स हैं, दलित स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कतें आती है, कॉलेज भी इसमें कई बार चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी कॉलेज कहते हैं हमारी मजबूरी है, तो वो पैसा जारी किया जाए। और पंजाब में 2 फैक्ट्री हैं, रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, तो उसके लिए उसका जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जा रहा है, उसको अपडेट करके ज्यादा प्रोडक्शन करने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसका जो है प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। और दूसरा पटियाला में डीजल इंजन की फैक्ट्री है, उसके भी यूनिट बंद किए जा रहे हैं। और आज ही पंजाब सरकार ने फैसला किया, कांग्रेस की पंजाब सरकार ने, कि 1 जनवरी से बठिंडा का थर्म प्लांट बंद कर दिया जाएगा, रोपड़ के थर्म प्लांट के जो है 2 यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। तो मतलब इंडस्ट्री पंजाब में पहले ही बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। मंडी, गोविंदगढ़, राजपुरा, धारीवाल, बटाला, लुधियाना, सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो या तो प्लान कर गए हैं, बदी चले गए हैं, या किसी और स्टेट में चले गए हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी GST की वजह से छोटे दुकानदार की है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जितनी जो सड़कें बनी थी मैडम, उनकी रिपेयर करने के लिए पंजाब सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, तो वो बेकार हो गई हैं सभी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा आता है वो भी जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता लोगों के पास, जहां तक वो जाना चाहिए था। माननीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बैठी है हरसिमरत जी, क्योंकि पंजाब खेती स्टेट है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मैं चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग की अगर इंडस्ट्री पंजाब में आए तो बहुत कामयाब हो, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी फर्टाइल जमीन है, जो भी बीज दोगे वो बहुत बहुत भारी उत्पादन के साथ उगता है। तो मैं डिमांड करता हूं कि फूड प्रोसेसिंग जो है इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट किया जाए पंजाब में। और पंजाब में 2 एयरपोर्ट है मैडम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नाम के, अमृतसर और चंडीगढ़, लेकिन 1 या 2 फ्लाइटें हैं, वो भी कोई एक बर्मिंगम को है, इधर से एक थाईलैंड को अभी शुरू हुई है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, और जो उसकी रनवे की एक्सटेंशन है उसकी वजह से बड़े प्लेन नहीं आ सकते। हमारे जो पैसेंजर हैं पंजाबी हैं, बहुत बहुत पूरी दुनिया में बसते हैं, वो सभी दिल्ली आते हैं, उनका समय भी और उनका तेल भी, उसके बाद उनको इतना 10-10 घंटे की जर्नी वापस भी जाते हैं। तो ये दोनों एयरपोर्ट को अगर इंटरनेशनल का दर्जा अच्छे तरीके से मिल जाए, तो मैं
ये मांग करता हूं कि पंजाब के किसान को, पंजाब के नौजवान को, बेरोजगार को, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाइए, ताकि पंजाब दोबारा भारत का जो हीरा, जो मुंद्री में हीरा नगीने की तरह फिर दोबारा चमके। मैडम, मैं आपसे मांग करता हूं। थैंक यू।